अखिलेश से मिले सम्मान से केशव गदगद हैं। अब तो खुलेआम कह रहे हैं, एक और एक दो नहीं, हम तो 11 हो गए। केशव के लिए अखिलेश ने जो किया, केशव अब उसके लिए कमलनाथ से लेकर मामा से भिड़ने के लिए हैं तैयार। सपा की राजनीति के साथ ही केशव की राजनीति को धार देने के लिए अखिलेश का बड़ा प्रयास। अखिलेश ने राहुल को बताया, हम तो बड़े दिल वाले हैं, सियासत में ना तो कोई परमानेंट दोस्त होता है और ना ही कोई परमानेंट दुश्मन। यहाँ मौके की नजाकत को भांपते हुए दोस्ती होती है, दुश्मनी बस हो जाती है। लेकिन इन सबसे ऊपर उठकर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने मध्य प्रदेश की सियासत में जो प्रयोग किया, जिस तरह से अपने साथ छोटे दलों को लेकर चले, उसको उचित सीट देकर सम्मान किया, उसे देखकर कहने वाले तो कह रहे हैं, सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव तो वाकई में बड़े दिल वाले हैं। ये एक तरह से कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस नेता राहुल गांधी और कांग्रेस की ओर से मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार कमलनाथ की राजनीति को आईना दिखाने जैसा है। अखिलेश से कभी केशव रूठे हुए थे, उनसे दोस्ती तोड़ते हुए केशव ने कभी अखिलेश को बहुत कुछ कहा था। आज अखिलेश उन्हीं के लिए, उन्हीं की पार्टी को सम्मान देने के लिए, उन्हीं के उम्मीदवार को जिताने के लिए धुआंधार प्रचार कर रहे हैं। जनता से कह रहे हैं, हम एक और एक मिलकर दो नहीं, अब तो 11 हो गए। पिछली बार समाजवादी पार्टी भी चुनाव लड़ी, महान दल भी चुनाव लड़ा, और अगर दोनों के वोट मिला ले हम, तो बताओ आर आर बंसल जी जीत रहे हैं कि नहीं जीत रहे हैं? दोनों दलों के वोट मिलने के बाद यहां पर ऐतिहासिक परिणाम आने जा रहा है। एक और एक दो नहीं हो रहा है, एक का एक हो गया तो कितना हो गया, 11 हो गए। इसलिए ऐतिहासिक परिणाम के लिए मैं आज ही आप सबको बधाई देता हूं, क्योंकि चुनाव का आखिरी दिन है, इसके बाद कोई दूसरा नेता प्रचार करने नहीं आ रहा। अखिलेश मध्य प्रदेश में परिवर्तन की नई परिभाषा गढ़ रहे हैं, तो महान दल के अध्यक्ष केशव देव मौर्य खुद मिले सम्मान से भावुक हो रहे हैं। अखिलेश की व्याख्या से गदगद होकर कह रहे हैं, अखिलेश जो कह रहे हैं वो 100% सच है। सावधान हो जाइए दोनों दलों से, सावधान हो जाइए दोनों पार्टियों से, और जो परिवर्तन होना है, अगर बीजेपी के बाद कोई कांग्रेस आ जाए, कांग्रेस के बाद बीजेपी आ जाए, तो परिवर्तन मैं नहीं कहूंगा। परिवर्तन तब कहूंगा जब महान दल और समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी यहां से जीत कर चुका है। अखिलेश कह रहे हैं, बीजेपी की जगह कांग्रेस और कांग्रेस की जगह बीजेपी को सत्ता में लाना, जो लोग इसे परिवर्तन समझते हैं, उनसे मूर्ख कोई हो ही नहीं सकता। परिवर्तन का मतलब कांग्रेस और बीजेपी को हटाकर क्षेत्रीय दलों को सत्ता में लाना असली परिवर्तन है। उत्तर प्रदेश में भाजपा कांग्रेस के हटने के बाद ही प्रदेश का विकास हुआ और व्यवस्थाओं में सुधार हुआ था। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी के साथ महान दल का गठबंधन है। गठबंधन होने के बाद अखिलेश ने एसपी की पृथ्वीपुर विधानसभा सीट से अपने प्रत्याशी को वापस ले लिया। ये सीट महान दल के खाते में गई है। पृथ्वीपुर के साथ ही टीकमगढ़, मुरैना और सबलगढ़ की सीट भी महान दल को मिली है।